हाँ जी निशा जी। हाँ जी। मेरे को आपका नाम पता है। अच्छा। आ गए आप? हाँ। कहाँ से आए हो? इधर आओ थोड़े आगे। गुजरात से। गुजरात से आए हो? इधर मत देखो। और वो दर्शक वो कह रहे हैं भाई, इनसे जिनसे बात कर रहे हो ना वो कौन है हमें भी दिखाओ, तो अपन थोड़ा मतलब उसमें भी दिखने चाहिए है ना। हाँ। वरना आप मेरी तरफ देखोगे तो उसमें कैसे दिखोगे। अच्छा गुजरात से आए हो? हाँ जी। अच्छा और कौन है आपके साथ? पापा आए हैं साथ में। सर जी आप आए हो इनके साथ? अच्छा आप इनके पापा हो? पापा। मम्मी को लेके नहीं आए? नहीं वो अगली बार आई आएगी तो। क्यों? भाई के स्कूल चालू है इसलिए मम्मी वहाँ पे ही रही है। अच्छा एक घर पे भी चाहिए? हाँ। तो फैमिली में और कौन कौन है, दादाजी वगैरह ऐसे? हाँ है, वो छोटी साल भी रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं यहाँ पे। अच्छा आप राजस्थान के भी हो, मतलब जो गुजरात में जाके रहने लग गए? हाँ। अच्छा जी बिजनेस के लिए रहते हैं। बिजनेस के सिलसिले में गुजरात गए थे। अच्छा तो सर आपका नाम क्या है? अर्जुन भाई। अर्जुन भाई लगाते हो पीछे? मतलब भाई तो दादा हो गए, मतलब ऐसे दादा भाई ऐसे नहीं, वहाँ पे भाई लगाते हैं ना गुजरात में, भाई चलता है। अच्छा जी हमारी तरफ क्या होता है जैसे कोई भी भाई लगाता ना, ये राजा राम भाई। अच्छा जी पीछे लगता है मोटा भाई छोटा भाई ऐसे है। अच्छा तो गाना गाने आए हो? हाँ जी। गाना? हाँ। है? हाँ। पहले गाए कभी? नहीं पहले कॉम्पिटिशन में गाया और यूट्यूब पे गाया है। अच्छा स्कूल में? हाँ। अच्छा जी और यूट्यूब में डाल रखे आपने वीडियो? हाँ डाल रखे। हाँ वो मेरे भेजे थे वो वीडियो देखा था मैंने, आपका चैनल देखा था पूरा। हाँ आरजे निशा माली। हाँ तो मतलब कौन से वाले गाओगे आप, वैसे गाने गाओगे क्या वो जो फिल्मी टाइप के आपने गा रखे हैं, मतलब आपके चैनल में देखे थे मैंने फिल्मी टाइप के ज्यादा गाते हो आप? कौन से भी गा लेंगे जो दोगे वही। अच्छा और आपका नाम क्या है जी? पूजा कुमारी। पूजा। अच्छा आप कहाँ से आए हो? प्रतापगढ़ से। आपके साथ कौन आया है? भतीजा है सर। भतीजा, क्या नाम भैया आपका? खड़े हो जाओ। दशरथ। अच्छा जी बहुत ही बड़ा नाम है आपका तो यार, मेरा नाम राजा राम है। ऊपर चले गए। सही है ना? सही है। हाँ यार वही तो बात है, आपका तो बहुत बड़ा नाम है। क्या करते हो आप भी गाना गाओगे? अच्छा इनके लिए इनके साथ ही आए हो आप तो गाना गुवाने के लिए, कौन सा गुवाओगे इनको, चांद वाला मुकड़ा? हाँ ये गाएंगे वो या सूरज का टुकड़ा? अच्छा तो आप कौन से गाओगे? प्रतापगढ़ से। हाँ नहीं गाओगे कौन से गाने? राजस्थानी। राजस्थानी। अच्छा मतलब किसके फैन हो, फैन किसके गाने ज्यादा सुनते हो, अच्छे किसके लगते हैं? रानी रंगीली के सर। रानी जी रंगीली के गाने अच्छे लगते हैं इनको, और आपको? मुझे सबके अच्छे लगते हैं, राजस्थानी सॉन्ग जिसके सुनो उसके अच्छे लगते हैं। अच्छा सबसे ज्यादा किसका अच्छा लगा, मतलब कौन से सॉन्ग में? राजस्थानी में। राजस्थानी जो सबसे फेवरेट सॉन्ग आपको ऐसे ऐसा लगा हो कि यार मैं भी गाना गाऊं इस सॉन्ग को देख के? सॉन्ग को देख के तो नहीं पर मधुबाला राव और फिर जैसे बाकी सिंगर गाते हैं वैसे प्रोग्राम में गाने का सपना है। अच्छा प्रोग्राम में गाने का सपना है तो हाँ। प्रोग्राम में तो आप मतलब किसी के रोके नहीं रुकोगे अब तो, प्रोग्राम में तो चलोगे एक बार, गाना थोड़ा सा मतलब सुनाओ देखे क्या स्वाद है आपका। मारो भैरो माने मायड़ बापुल की जैया पाले सा, मारो भैरो माने मायड़ बापुल की जैया पाले सा, आधी राता ने आने संभाले सा, आधी राता ने आने संभाले सा। आप गालोगे प्रोग्राम में, आपका हाथ वो ऐसे चल रहा है ना जो अच्छा लगा वो ताल के साथ। हाँ वो हाथ चल रहा है ना, वो ताल चल रही है मतलब। हाँ है ना? हाँ। तो इसलिए आप प्रोग्राम में गालोगे। आप आपको कोई गाना याद है रानी जी रंगीली का? कौन सा वाला? बचपन का प्यार है तो सजना तोरे नैन से
थोड़े थोड़े इधर आओ, यहाँ पे आओ, आप आगे आ जाओ, हाँ आप गाओ। सजना तोरे नैन से हमरे नैना लड़ गए रे, हमरे नैना। ये रानी रंजीरंगली का गाना तो नहीं है? रानी रंजीरंगली का नहीं है। हाँ हमने सुना ही नहीं रानी रंजीरंगली का, तो वो है कौन सा वाला? लीलन वाला। और लीलन सिंगारे बनेड़ा जाओ रे बनेड़ा। रानी चिरंगली का गाना लीलन सिंगारे है, कॉपीराइट मत दे देना दोस्तों। थोड़ा सा ही गया है। है ना? हाँ, जो भी इनको बताने के लिए गया है कि रानी चिरंगली का ये गाना नहीं। कोई आपको खास रानी चिरंगली का कोई गाना याद हो? देखो पूजा जी, बात ये है जिसके फैन हो उसके एक लाइन तो आपको कम से कम गाना तो वैसे ही, कोई भी पसंद हो गाना वैसे गा लो, अरिजीत सिंह के पसंद हो तो उसके गा लो वैसे। हाँ, चाहे लीलन सिंगारे का याद हो तो वो गा लो, और वो वाला मतलब जैसे कोई भी गाना हो ना उसका एक लाइन गा दो जी, अच्छा लगेगा। वो कल गया था ना, क्योंकि रानी जी रंगीली देख रहे होंगे आपका वीडियो तो वो कहेंगे यार मेरी फैन को मेरा गाना ही नहीं आया। उनको बुरा लग जाएगा। हाँ सही बात है ना। अभी इन्होंने क्या बोला कि ऐसे तो मैं मतलब जैसे सबके सुनती हूँ पर मुझे प्रोग्राम का शौक है, तो वैसा ही गाना इन्होंने सुना दिया। थोड़ा सा एक लाइन सुना वाला। नहीं रानी जी रंगीली का गुआना ना, तो आप ऐसे गाओ इसको ना। रानी जी के लिए धन्यवाद जो मतलब उनके गाने सुनते हो आप, जो उनको धन्यवाद मतलब आप, आपके दिल में वो छा गए है ना। ठीक है, राजा राम जी के गाने तो याद है आपको, अभी फट से सुना दोगे। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, ऐसे गाते हैं हम तो, है ना, उनका याद नहीं है तो ऐसे गा दो। होली लन सिंगार ऐसे गा दो थोड़ा सा। नहीं आता है? चलो जी, रानी जी आपका गाना इनको नहीं आता है, आप बुरा मत मानना, कोई बात नहीं है ना। हाँ देखो हो जाता है, बच्चे हैं छोटे छोटे तो बच्चों से हो जाता है कि वो फैन तो हो जाते हैं पर उनको कुछ पता नहीं होता है। सही है ना सर? सही है सर। तो कोई बात नहीं, आपने जो गाया ना उसको सुनाओ अब आप। अब अपन मतलब क्या कहें, जैसे फैन तो किसी और के गाने दूसरों के गाएंगे। गाओ बुलंद आवाज में, ये लगाओ कानों के जो आपको आवाज भी आएगी। फिर ये नहीं लगाएंगे, चलो ऐसे ही गाओ। सजना तोरे नैन से हमरे नैना लड़ गए रे, हमरे नैना लड़ गए रे, लड़ गए रे, लड़ गए रे, लड़ गए रे। सजना तोरे जी बहुत बहुत धन्यवाद, पर आप घबरा क्यों रहे हो इतना? डर लग रहा है? तो आप ऐसा करो बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, स्टूल है यहाँ पे, आप बैठ जाओ इसमें बैठ जाओ। अब देखो जी, डरना तो ऐसे है ना क्योंकि नए इंसानों के बीच में आ गए हो ना, तो थोड़ा सा डर लगता है, वरना अगर यहाँ पे आपकी पूरी फैमिली होती उनके सामने गाते ना तो गाने भी आपको याद आ जाते है ना। तो डरना नहीं है, धीरे धीरे चाहे जैसे भी गुआएंगे आपको भी गुआएंगे, है ना, है ना। अच्छा तो आप तो डर ही नहीं रहे यार, डरो ना, मैं तो लकड़ी लेके आऊं उधर से, है नहीं डरोगे? किस चीज का डर है ना, नहीं लगता ना डर? भजन गाने में, गाना गाने में किस चीज का डर है, नहीं लगता? अच्छा जी, तो थोड़ा सा एक मतलब बढ़िया गाना मतलब और सुनाओ यार हमें, ये लगाओ, इधर आओ यहाँ पे। कोई सा भी सुना दो यार, भजन आपको अच्छा लगे, जो भी आपको अच्छा लगे, फिल्मी टाइप का सुना दो ना। आजकल मतलब चल रहा है ना चांद वाला मुकड़ा चल रहा है, कोई और चल रहा हो उसको गा दो कैसे भी। अच्छा, वो रिमिक्स वाला गा लो, सुनाया था वो, वही गा दो, कोई बात नहीं। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे, जीने का सहारा शाम और सुबह बेरुख से है, तू अंजाम दिल का कर।
क्या बात है, बढ़िया गया एक नंबर। थैंक यू सर। है ना, तो आप तो क्या है? मतलब है ना, डरते भी नहीं हो। अब मैं एक लकड़ी मंगानी पड़ेगी, आप डरते ही नहीं हो यार। है ना, जानते हो लकड़ी को गुजरात में क्या बोलते हैं? लकड़ी को डांडिया। और सुनो, आप गुजरात में रहते हो ना? हाँ। गीताजी रेवाड़ी को जानते हो? हाँ जी। सच्ची बताओ? हाँ जानती हूँ। और वो एक किंजल दवे? हाँ उनको भी जानती हूँ। मुझे मिला दोगे उनसे? हाँ वहाँ पे आना, मिलेंगे कभी। है ना, मैं दोनों का फैन हूँ यार, दोनों मेरे लिए बराबर है। है ना, यूं नहीं बोल सकता है कि मतलब मैं किंजल जी दवे का ज्यादा हूँ और उनका कम हूँ, दोनों का फैन हूँ मैं। तो कभी आऊँ तो मिला दोगे? हाँ जी। सच्ची? हाँ उनका प्रोग्राम होगा तो। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस तो नहीं पर हाँ बोल रही हूँ। अच्छा जी, नहीं मिलाने का इरादा है ना? नहीं मतलब मिलवाएंगे तो सही पर। अच्छा, और मोदी जी से? मोदी जी से तो मुझे भी मिलना है, मैं भी मिलूं। अच्छा जी। देखो मोदी जी से भी मिलना है यार, मैं उनके आवाज का भी फैन हूँ। है ना, और वो मतलब जो अपने मतलब यू मान लो कि जो काम करते हैं ना अपने देश के लिए, उनका तो बहुत ही बड़ा फैन हूँ। तो एक बार अगर आपको मिले कहीं पे तो बोलना कि सर आप 5 मिनट रुको, राजा राम जी को फोन करने दो। ठीक है। है ना। हाँ। तो फिर मुझे मिला देना उनसे। हाँ मैं मिलूंगी तब मिलवा दूंगी। हाँ क्योंकि मुझे तो उनके मतलब चरणों में ढोंक देना, बस और कुछ नहीं। है ना। हाँ। क्योंकि देश को मतलब ऐसे मतलब इंसानों की जरूरत होती है। हाँ। ना, और उनकी बोली की तो दुनिया फैन है, मेरा प्यारे भाइयों और बहनों। है ना, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको पता होना चाहिए कि अभी कोरोना काल में बाहर नहीं निकलना है। है ना। तो वैसे मेरे से तो नहीं होती, पर मेरे बहुत सारे दोस्त है ना जो उनकी मतलब आवाज लेके ही मतलब चाय बेचते हैं बहुत सारे। हाँ वो मतलब वीडियो डालते हैं यूट्यूब में तो अच्छा लगता है। अब देखो जिसके फैन होंगे उसकी तो कॉपी करेंगे, जो राजा राम जी के फैन होंगे वो राजा राम जी के जैसे करेंगे। हाँ कटुआ है बता दे रे भाया। सही है ना राजू जी, तो इसलिए जिसके फैन होते हैं उसकी कॉपी करते हैं। तो अब आपको गाना गुवाए? हाँ। हाँ? गाना गुवाए? हाँ। गाना तो हमारे हिसाब से गुवाएंगे, आपका टैलेंट नहीं चलेगा उसमें। कोई बात नहीं गा लेंगे। है ना, क्योंकि हम जैसे बोलेंगे ना कि राजस्थानी में गाओ। हाँ, तो गा लेंगे कोई भी। हाँ तो फिर आपको ऐसे गुवाएंगे कैसे कैसे बताओ बताए। हाँ। ओ काना मारा मत जावे कांकड़ में राधा रूठ जावेगी, ओ काना मारा मत जावे रे कांकड़ में राधा रूठ जावेगी। गालोगे? हाँ जी गालेंगे। सच्ची बताओ? हाँ गालेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे गा के सुनाओ, पब्लिक कह रही कि यहाँ पे गुआओ इनको एक बार, हम भी देखेंगे। हो काना मारा मत जावे काकड़ में राधा रूठ जावेगी, हो काना मारा मत जावे काकड़ में राधा रूठ जावेगी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आप गा लोगे है ना? हाँ सही बात है, तो हमारा पैटर्न भी पकड़ लेंगे भाई साहब। देखो इनको सारे पैटर्न आ जाएंगे, गुजरात वाले आ जाएंगे, हिंदी आ जाएंगे, राजस्थानी आ जाएंगे। हाँ हिंदी सॉन्ग आए गए, इनको सारे हिंदी सॉन्ग ही बनाते हैं, तो यूट्यूब चैनल में देखा था मैंने इनके, तो हिंदी सॉन्ग इनको आता ही है। और अब हमारे मतलब वो जो देसी होते हैं ना, देसी अपना पैटर्न, हाँ अपना पैटर्न, उनको भी सीख के जाएंगे। मतलब सीखा हुआ है इन्होंने तो, सीखना क्या है, राजस्थान के है, मतलब खून हमारा ही है, राजस्थानी खून है। है ना, छोटी साली। हाँ बस, तो राजस्थान के तो कैसे भूलेंगे, फिर अपनी संस्कृति तो खून में होती है ना। हाँ राजस्थानी तो खून। हाँ तो मेरो प्यारो रंगीलो राजस्थान नहीं भूलोगे ना? नहीं भूलेंगे, अपना ही है। हाँ बस बस, यानी कि कभी प्रोग्राम में अपन राजस्थान में बुलाएंगे आपको, तो फिर प्रोग्राम यहीं पे करना है। अच्छा जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है, आप राजस्थान से आज भी इतना देखो कमा के खाने के लिए तो अपन विदेशों में भी चले जाते हैं, पर मतलब जैसे अपने देश से और अपने मतलब जिस जगह पे रहते हैं ना अपन, वो अपना मतलब यू मान लो पहले देश
फिर उसके बाद में मतलब यू मान लो कि वो जगह जो होती है ना उसकी मिट्टी की खुशबू ही आती है, मतलब प्रोग्राम राजस्थान चाहे दूसरों को उस जगह पे बदबू आए पर हमें वो खुशबू आती है उस जगह पे कि ये मेरी मिट्टी की, हाँ मिट्टी की। और जैसे मतलब गांव में ऐसे होता है ना कि यहाँ पे खाद की रोड़ी डाल रखी है, इधर कचरा पड़ा है, पर वहाँ पे भी खुशबू आती है। बाहर से आओगे आप जैसे विदेशों में 5 साल रह के आओगे ना तो वो बदबू होगी फिर भी आपको तो खुशबू लगेगी, क्योंकि वो अपनी डेली की जो आदत होती है ना वो मिट्टी की खुशबू वो कहीं पे नहीं जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर राजू जी, अब इनकी गानों की तैयारी करते हैं है ना, और बैक टू बैक आपको भी गुवाना है ना, आपको कौन सा गुवाए हिलमी, हाँ तो आपको तो ऐसे गुवाएंगे है ना। ऐसे गुवाएंगे इनको बताएंगे नहीं ठीक है दोस्तों, बाय टाटा, नेक्स्ट गाने मिलेंगे आपको ठीक है।